इतनी धूप है और प्लांट भी बिल्कुल झुलस जाते हैं, तो प्लांट को बिल्कुल बर्फ सा ठंडा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लेके मैं आया था सनी प्लांट होम और इनसे मेरी लंबी बातचीत हुई। तो इन्होंने 5 डिफरेंट तरह के ऐसी सी चीज़ें बताई जो कि अगर आप अपने घर में इसका यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल ठंडे भी रहेंगे और लॉन्ग टर्म आपके साथ चलते भी रहेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान रख लेंगे तो प्लांट आपके बिल्कुल सर्वाइव करेंगे, लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो इस वक्त मैं आया हुआ हूँ सनी प्लांट होम और जब यहाँ आता हूँ तो मुझे ढेर सारा नॉलेज मिलता है कि भाई अगर आपको प्लांट केयर करना है वो कैसे कर सकते हैं, प्लांट को अगर ठंडा रखना है, खाद के बारे में अलग अलग चीज़ें हम ये सीरीज़ में हम लेके आते रहते हैं जिससे आपको मालूम रहे कि आपके प्लांट आपके साथ लॉन्ग टर्म कैसे चलें। तो हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। और अगर आपको बाई करना है जो भी चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वो आप सनी प्लांट होम विज़िट करके भी आप बाई कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के खाद वगैरह भी हैं जो कि आप यहाँ विज़िट करके आप बाई कर सकते हैं। बाकी ये CP में है और बाइंग डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप विज़िट करके आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। सनी जी से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन सी चीज़ों से प्लांट को जो अभी टेम्परेचर चल रहा है 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है उसे कंट्रोल करके कैसे ठंडक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं सनी जी से। पहला जो सबसे पहले आपको समर्स में ध्यान रखना है अपने प्लांट्स को गर्मी से बचाने के लिए कि आपको प्लांट्स को मिस्टिंग करना है। ये देखिए सर, ये कोई भी आप मिस्टिंग कैन ले लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट का ओवरऑल टेम्परेचर अच्छा कूल करना। तो आपको मिस्टिंग ही करना है, प्लांट्स को पानी पोर ना करें, सुबह शाम मिस्ट करें। तो सर फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका मिस्टिंग। और मिस्टिंग कैसे करना है ये देख लीजिए, प्लांट के ओवरऑल पूरा सारे पूरे प्लांट को पूरे पानी की ड्रॉपलेट से भर देना है। अगर आपके पास एक प्लांट है चाहे 10 प्लांट है, सब प्लांट्स को मिस्ट करना है आपको अच्छे से। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया सर कि आपको प्लांट को सब प्लांट्स को मिस्ट करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है सर कि मिस्ट कब करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो पानी कभी भी देते हैं प्लांट को। अब जो दिल्ली में टेम्परेचर हो रहा है और अगर आपको अपने प्लांट्स बचाने हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ये याद रखना कि आपको पानी सुबह 9 बजे से या तो पहले देना है, 9:30 से 9 के बीच से पहले देना है, या फिर शाम में 6:30 बजे के बाद देना है। अच्छा, आपको बीच में अपने प्लांट्स को पानी नहीं देना है, ठीक है। और पानी हो सके तो सुबह शाम दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँ, और सारा पानी धूप से सूख जाता है। तो अगर आप धूप में पानी देंगे तो प्लांट के मरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर है, और अगर आप पानी देंगे तो पानी हमेशा उड़ता है इवेपोरेशन से, तो जब वो पानी उड़ेगा और गर्मी में वो गर्म पानी उड़ेगा तो प्लांट पूरा जल जाएगा। इसलिए आपको सुबह 9:30 बजे से पहले जब धूप कम हो या फिर शाम को 6:30 बजे के बाद तभी अपने प्लांट को पानी देना है, बीच में नहीं देना है। ये देखिए सर, जो आपके आउटडोर प्लांट्स होते हैं, आउटडोर प्लांट्स में आप इसका पानी दीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ काउडंग है जो हमने 24 से 48 घंटे तक भिगोया पानी में। आप इसका टेम्परेचर फील करेंगे, एकदम ठंडा पानी है। अच्छा, ये हमारे हिसाब से, ऐसा कोई अब बोलेंगे इंटरनेट पर कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमने खुद से ही एज अ मेथड, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करा है। हम गोबर खाद को 24 से 48 घंटे तक उसको पानी में भिगो के फर्मेंटाइज होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर गर्मियों में हम ज़्यादातर अपने प्लांट्स को यही मैन्योर देते हैं और इससे पानी एकदम ठंडा रहता है और प्लांट भी ठंडा रहता है। अच्छा, तो आपको टाइमिंग्स पता चल गए। हाँ, तो अब आपको प्लांट में ये मैन्योर डाल देना है, इससे आपका प्लांट एकदम ठंडा रहेगा और जलने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा तीसरा उपाय हो गया। सर नेक्स्ट है मल्चिंग। आप अपने सारे प्लांट्स को ऐसे या तो राइस हस्क या मॉस, ग्रीन मॉस से मल्च कर दो। इससे क्या रहेगा, वाटर का इवेपोरेशन कम हो जाएगा प्लांट से, तो आपका प्लांट कम उड़ेगा और ज़्यादा ठंडा रहेगा। मल्चिंग करना ज़रूरी है, मल्चिंग इसलिए ज़रूरी है, ये नीचे मिट्टी की लेयर होती है उसमें आप आधा आधा इंच की मल्चिंग कर दीजिए राइस हस्क या मॉस की, तो उससे पानी कम उड़ेगा तो पानी का कंटेंट पॉट में बना रहेगा। अच्छा, ठीक है, उससे प्लांट जलने का और सूखने का खतरा खत्म हो जाए। ये हमारा हो गया चौथा। तो सर ग्रीन नेट में जो सबसे खास बात है वो देखने वाली ये है कि आपका जो ग्रीन नेट होना चाहिए, सॉरी जो नेट होना चाहिए या तो ग्रीन या ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें ओपेसिटी आती है 50-60-70-90% तक की, जी। यहाँ पे ये 70-75% ओपेक है, ठीक है।
तो इतना आपका होना चाहिए मिनिमम 75% इस धूप को देखने में। ये देखिए 75% की धूप इतनी फिल्टर होकर आती है, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती, तो प्लांट जलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो नेट अपने घर में ज़रूर लगाइए। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने प्लांट को ठंडक पहुँचाने के लिए, और रियली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इस तरह से स्प्रे कीजिए और ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन नेट वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं सनी प्लांट होम, और यहाँ पर आपको अवेलेबल है अच्छे खासे क्वांटिटी में, आपको मिल जाएगा। बाकी आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।